एक बार पुनः मैं अमित कुमार श्रीवास्तव, अपने इस चैनल का नाम है डायमंड्स एनालिसिस, इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का जो कॉन्सेप्ट है पॉलीनोमियल है और आज पार्ट थर्ड का लेक्चर है। तो अगर आपने मेरे पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट को। तो पार्ट टू की वीडियोस में मैंने आपको मैंने बताया था कि कैसे हम लोग ये पता करते हैं कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको वेरिएबल का एक्सपोनेंट लिखना होता है, और वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट का मतलब पावर से है, तो आपको ये देखना है कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलीनोमियल में कंसीडर होगा। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं कि उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल नहीं होता है, वो क्या होता है, या तो वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर्स हो जाए या वेरिएबल डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाए। तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर के प्लेस पे होगा या वेरिएबल का पावर निगेटिव इंटीजर्स होगा तो उस केस में क्या होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल में कंसीडर नहीं होता है। तो कंसीडर सिर्फ एक ही बेस पे होगा, या तो वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हो। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, और उसमें आपको चेक करना होगा कि वो पॉलीनोमियल में है कि नहीं है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर वाई क्यू पहला एग्जाम्पल, दूसरा है एक्स टू पावर फोर वाई पावर माइनस टू, थर्ड एट एक्स क्यू टू एक्स स्क्वायर फाइव बाई सेवन, चौथा एग्जाम्पल क्यू रूट फाइव प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर फाइव एक्स क्यू और यहाँ पे वन बाई एक्स। तो मैं यहाँ पे कुल मिलाकर अपने पास से जो है मैंने फाइव एग्जाम्पल दिया है, और इस फाइव एग्जाम्पल में आपको ये चेक करना है कि क्या ये दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो, अगर पहले चीज इसके बारे में कंसीडर करो तो इसके पावर पॉजिटिव है, वाई का पावर भी पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉलीनोमियल में कंसीडर होगा। इसीलिए मैं इसके लिए टिक मार्क लगा दे रहा हूँ मैं कि पॉलीनोमियल में है। अगर आप बात करते हो दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, तो यहाँ एक्स का पावर फोर है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ वाई का पावर क्या है, माइनस में आ गया, निगेटिव है, इसीलिए ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ बात करो तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ का पावर थ्री है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ का पावर टू क्या है, यानी सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, इसीलिए नीचे जो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया है ये भी क्या है, पॉलीनोमियल में कंसीडर होगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, चौथे एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हो कि ये क्यू रूट फाइव है और यहाँ दिया गया है अंडर रूट टी स्क्वायर। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका मैं रिजल्ट ऊपर में इंडिकेट कर दे रहा हूं मैं, ये तो ऑलरेडी आपका कॉन्स्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे है। तो यहाँ पे क्या है कि ये चूंकि स्क्वायर रूट है तो इसको टी स्क्वायर लिख करके अगर इसका हम रूट हटाते हैं तो किस में जाएगा, वन बाई टू में जाएगा, और क्या होगा, क्यू रूट फाइव प्लस, अब इन दोनों के पावर का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे टी का पावर वन आ जाएगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। तो जो यहाँ पे जो चौथा जो एग्जांपल दिया गया है ये भी किस में कंसीडर होगा, पॉलीनोमियल में कंसीडर होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे फाइव वाले एग्जांपल के बारे में, यहाँ एक्स क्यू दिया गया है, यहाँ वन पॉइंट एक्स दिया गया है, भले ही आपको यहाँ पावर वन दिख रहा है लेकिन इसके बाद ये पॉलीनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से जब आप इसको इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो इसका पावर चला जाएगा माइनस में, और इसकी वजह से क्या होगा, ये पॉलीनोमियल में कंसीडर नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो ये फाइव एग्जांपल दिए हैं आपको समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे टर्म्स के बारे में। दूसरे अलग टर्म्स क्या क्या है, यहाँ पे मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल में इसमें बताने वाला हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल है क्या। अब डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल का मतलब आप जानते क्या है, ठीक जैसे ही आपके घर में हेड ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं ना, उसी तरीके से वही काम यहाँ पे भी होता है पॉलीनोमियल में। जिस तरीके से घर में एक मुखिया सम्मानित होता है
उसी तरीके से आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि दिए गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किस वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यानी जिस वेरिएबल का पावर सबसे ज्यादा होगा द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल वही कंसीडर होगा। अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आपको करना कुछ है नहीं, बस आपको समझना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है एक्स टू द पावर फाइव एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये पहली चीज तो पॉलीनोमियल है। अब इसमें आपको जब डिग्री तो पॉलीनोमियल देखना होगा तो आपको क्या देखना है कि वेरिएबल का पावर देखना है कि किसका ज्यादा है। यहाँ देखो यहाँ पे पावर क्या है फाइव, सबसे ज्यादा यही है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या लिख देंगे, सीधे आप फाइव लिख दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इसे भी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू अगर ऐसे ले लिया कि वाई स्क्वायर ले लिया एक्स अपन फाइव ले लिया फाइव एक्स स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे वाई क्यू ले लिया, तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे पावर टू दिया गया है, इसका पावर वन है, यहाँ पे पावर टू है और यहाँ पे पावर थ्री है, तो मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है इसमें थ्री है। तो इस समय जो यहाँ पे जो डिग्री जो होगी वो क्या लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी थ्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा। लेकिन देखो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन वो आपके लिए हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स है हर एक टर्म्स में एक सिंगल वेरिएबल ही यूज हुआ है, तो यहाँ तो आपने आसानी से आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसमें देखो सिंगल टर्म एक्स है, यहाँ पे सॉरी सिंगल सॉरी इस टर्म में वेरिएबल एक्स का ही यूज हुआ है, यहाँ पे एक्स का यूज हुआ है, यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल वाई का ही यूज हो रहा है, तो यहाँ तो आप आसानी से आप पता कर ले रहे हो। लेकिन मान लो कि कहीं कॉम्बिनेशन रिजल्ट इस तरह से दे दिया जाए जहाँ एक से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उस केस में डिग्री कैसे बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया गया है तीसरा एग्जाम्पल, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया है या एक्स वाई दिया गया है और यहाँ एक्स वाई क्यू दिया गया है, इस केस में अगर आपको डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल बताना होगा तो कैसे बताओगे। इसमें क्या करना होगा कि हर टर्म में जो भी जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें क्या करना होगा कि उनके पावर का कॉम्बिनेशन रिजल्ट देखना होगा, मतलब उनके पावर जो भी होंगे उनके रिजल्ट को मिला के देखना होगा कि उसका रिजल्ट है क्या। जैसे मान लो यहाँ पे पावर वन है और ये थ्री है, इसका कॉम्बिनेशन रिजल्ट जो होगा मिलाने के बाद वो फोर का बनेगा। यहाँ पे मैक्स पावर वन और वन दिया गया है, तो यहाँ पे जो पावर का कॉम्बिनेशन रिजल्ट जब देखोगे तो यहाँ पे टू का मिलेगा और यहाँ पे पावर का कॉम्बिनेशन रिजल्ट देखा जाएगा तो फोर का मिलेगा। तो इस तरीके से जो द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल जो कंसीडर होगा वो क्या होगा, फोर होगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज करो कि आपने लिखा है एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स क्यू वाई क्यू, ऐसे इस तरीके से आपने लिया है। अब यहाँ पे अगर आपको डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल बताना है तो आपको क्या करना होगा कि वेरिएबल के मतलब जो भी उस पर्टिकुलर टर्म में जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उनके पावर को मिला के देखना है, पावर्स को मिला के देख लीजिए कि कितना रिजल्ट बन रहा है। अब देखो यहाँ पे इनके पावर का कंबाइंड रिजल्ट हो रहा सिक्स का, थ्री और थ्री सिक्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है टू और टू फोर हुआ और इसका ही पावर वन हुआ, तो इसका भी मिला करके क्या बनेगा, टोटल मिला करके फाइव का रिजल्ट दे देगा और यहाँ पे क्या है टू और वन का मिला करके रिजल्ट बनेगा थ्री का दे देगा। तो उस केस में क्या होगा, जो डिग्री या तो पॉलीनोमियल जो होगा इस दिए गए एग्जाम्पल में इस समय मैक्सिमम क्या होगा, सिक्स होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल। अब इसमें आपको करना क्या है कि जो भी पॉलीनोमियल दिया गया होगा
उस पॉलीनोमियल में जो वेरिएबल्स का पावर जो भी अवेलेबल होगा उसको आपको दो फॉर्मेट में लिखना होगा, या दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं आप, कह सकते हैं या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो या उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो यह जो अरेंजमेंट जो होगा, मतलब ये अरेंजमेंट अब री अरेंजमेंट के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पता नहीं इसमें वेरिएबल का पावर जो है सेंडिंग ऑर्डर में दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो फिर से आपको रीअरेंज करना होगा, और यही रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलीनोमियल कहलाएगा। तो दो तरीके से लिख सकते हो, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो यहाँ लिखा है 4x² लिखा है, यहाँ x टू पावर 5 लिखा है, यहाँ लिखा है x³ लिखा है, और यहाँ पे मान लो 10x⁴ दे दिया गया। तो पॉलीनोमियल है ये एक्सप्रेशन पॉलीनोमियल में है, लेकिन अगर पावर्स देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो अगर इसका एडजस्टमेंट अगर आप दूसरे तरीके से कर दें, मतलब पावर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी छोटे सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े की तरफ, बड़े पावर्स की तरफ आपको करना है। तो यहाँ देखो इसमें जो मिनिमम जो पावर है वो 2 का है, तो पहले आप इसी को लिख लो, उसके बाद से अब नंबर इसका आएगा x³ का, क्योंकि इसका पावर 2 इसका पावर 3 अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। अब उसके बाद से इसको ले लो तो 10x⁴ हो जाएगा, और फाइनली जो है आप इसको अब लिख सकते हो। अब ये जो अरेंजमेंट जो है यह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलीनोमियल कहलाएगा। अब या तो ऐसे लिख दो या तो इसको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, यानी बड़े से छोटे के क्रम में। तो अगर बड़े से छोटे के क्रम में लिखोगे वही पावर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा x⁵ हो जाएगा, 10x⁴ हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और फाइनली बाद में 4x² हो जाएगा। तो फिलहाल अभी पार्ट 3 के वीडियोस में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ही सीखे, जितना भी सीखो आप परफेक्ट सीखो ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।